करांगे, पहले इन्हें गल सुन लिया फिर आप। ना तो सानू 24 घंटे की सप्लाई पूरी मिल रही है, ना ही सानू मोटर वाली जिहड़ी 8 घंटे की सप्लाई देनी है वह पूरी मिल रही है। बिजली के वड्डे वड्डे कट्टां तों तंग आए लोगों वलों पंजाब च थां थां धरने लगाए जा रहे हैं। नाभा के पिंड हियाणा विखे देर रात पिंड वासियों वलों बिजली कट्टां तों तंग आ के बिजली ग्रिड का घिराओ करके SDO नूं अंदर ही बंद कर दिता गया अते सरकार खिलाफ जम के नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि उन्हां नूं 8 घंटे की बजाय सिर्फ 3 से 4 घंटे ही खेतों बिजली मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने दसिया कि पानी ना होने कारण उन्हां नूं लोगों के घरों भरना पैंदा है अते उन्हां दीआं जीरियां भी सुकियां पईआं हन जिस करके उन्हां नूं मजबूरन धरना लाना पिया। बिल्कुल जी, सानू जिहड़ी लाइट है जी यह 3-3 घंटे आ रही है, जिवें 8 घंटे का वादा किया गया सी वह बिल्कुल वादा पूरा नहीं हो रहा, ना ही जिहड़ी सानू 24 घंटे की सप्लाई कह रहे हैं निगर बिघन वो दुपहरे के कट लगते हैं, 4 से 5 घंटे आ जिहड़ी 24 घंटे की सप्लाई देनी आ उहदे विच भी कट लग रहे हैं। ना तो सानू 24 घंटे की सप्लाई पूरी मिल रही है, ना ही सानू मोटर वाली जिहड़ी 8 घंटे की सप्लाई देनी आ वह पूरी मिल रही है। असीं महंगे भाव का देख लो जी, हुण जिहड़ा डीजल है यह 90 तो पार हो चुकिया, सानू महंगे भाव का डीजल फूक के अपने खेतों च जीरी नूं पानी देना पै रहा है। असीं सरकार तो यही मंग चाहुंदे आ वी सानू लाइट आ जिहड़ी 8 घंटे लगातार देनी चाहीदी है, जिहड़ी ते घरां वाली बिजली है इहनूं वी निर्विघन चलाना चाहीदा। दो दिन पहले कैप्टन ने तो कहा भी 8 घंटे निर्विघन मिलू, जब पटियाले जिले च यह हाल आपके हल्के च कैप्टन दे होरां दा की हाल हुंदा होगा? सानू जी लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही जी, जिहड़ी 8 घंटे की सप्लाई कहिंदे सी जी यह 2 घंटे चल गए, 4 घंटे का पावर कट ते 2 घंटे फिर मिलती है, सानू 4 घंटे सप्लाई मिलती है, इहदे विचों 4 घंटे सप्लाई नहीं मिलती जी। असीं सरकार नूं इही बेनती कहिंदे जिवें कैप्टन साहब ने कहा भी असीं 8 घंटे निर्विघन बिजली देवांगे, ये जिहड़े वादे ने बिल्कुल खोखले ने, असीं बेनती करदे हां भी सानू 8 घंटे बिजली मिलनी चाहीदी है। कि जो पिंडां दी 24 घंटे की लाइट आ वो 5-5 घंटे बंद रहिंदी आ, जी शहर दे विच कट क्यों नहीं लगाए जा सकते? क्योंकि साडे पिंडां दे विच जो करोना महामारी दे कारण अज मेरे पिंड दे रोडे दे विच 2 डैथां हो चुकियां ने, उहदे लोकां दे घरां दे विच पाणी मुक्या पिया, पाणी पीण तों कदे कितों लै के आउंदे पाणी पीण वास्ते, कदों कितों दा, इहदा सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही? ना बिजली महकमा जवाब दे रहा, ना सरकार जवाब दे रही। उधरों साडियां जीरियां सुक्कियां पईआं ने ते जीरियां दे वास्ते 8 घंटे का वादा करके 3-3 घंटे की लाइट आती है, उहदे विच भी घंटा घंटा ट्रिप हो जाती है। साडा धरना जारी रहेगा, जे साडे नाल इदां होगा साडियां फसलां बर्बाद हो जाणगियां, असीं ना कोई भी किसी भी तरह का एक्शन लैण नूं तैयार हां। ਮੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਕੰਪਨਸੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ 3-4 ਬਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਤਪਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਫੇਲ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, UPS ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ UPS ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਯਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ना तो सानू 24 घंटे की सप्लाई पूरी मिल रही है, ना ही सानू मोटर वाली जिहड़ी 8 घंटे की सप्लाई देनी है वह पूरी मिल रही है।
बिजली के वड्डे वड्डे कट्टां तो तंग आए लोगों वलों पंजाब च थां थां धरने लगाए जा रहे हैं। नाभा के पिंड हियाणा विखे देर रात पिंड वासियों वलों बिजली कट्टां तो तंग आके बिजली ग्रिड का घिराओ करके SDO नूं अंदर ही बंद कर दिता गया अती सरकार खिलाफ़ जम के नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि उन्होंने 8 घंटे की बजाय सिर्फ 3 से 4 घंटे ही खेतों च बिजली मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने दसिया कि पानी ना होने कारण उन्होंने लोगों के घरों भरना पैंदा है और उन्हां दियां जीरियां भी सुकियां पईयां हन जिस करके उन्होंने मजबूरन धरना लाना पिया। बिल्कुल जी, सानू जिहड़ी लाइट है जी यह 3-3 घंटे आ रही है, जिवें 8 घंटे का वादा किया गया सी और बिल्कुल वादा पूरा नहीं हो रहा। ना ही जिहड़ी सानू 24 घंटे की सप्लाई कह रहे हैं निगर बिघन वो दुपहरे के कट लगते हैं, 4 से 5 घंटे जिहड़ी 24 घंटे की सप्लाई देनी है वो भी कट लग रहे हैं। ना तो सानू 24 घंटे की सप्लाई पूरी मिल रही है, ना ही सानू मोटर वाली जिहड़ी 8 घंटे की सप्लाई देनी है वह पूरी मिल रही है। असं महंगे भाव का देख लो जी, हूँ जिहड़ा डीजल है यह 90 तो पार हो चुका, सानू महंगे भाव का डीजल फूक के अपने खेतों च जीरी नूं पानी देना पै रहा है। असीं सरकार तो यही मंग चाहुंदे आ वी सानू लाइट है जिहड़ी 8 घंटे लगातार देनी चाहीदी है, जिहड़ी ते घर वाली बिजली है इहनूं वी निर्विघन चलाना चाहीदा। नहीं, 2 दिन पहले कैप्टन ने तो कहा भी 8 घंटे निर्विघन मिलू, जब पटियाले जिले च यह हाल आपके हल्के च कैप्टन दे होरां दा की हाल हुंदा होगा? सानू जी लाइट बिल्कुल नहीं मिल रही जी, जिहड़ी 8 घंटे की सप्लाई कहिंदे सी जी यह 2 घंटे चल गए, 4 घंटे का पावर कट ते 2 घंटे फिर मिलती है। सानू 4 घंटे सप्लाई मिलती है, ये 4 घंटे सप्लाई नहीं मिलती जी। असी सरकार को यही बेनती कहने, जिमें कैप्टन साहब ने कहा भी असं 8 घंटे निर्विघन बिजली देवे, ये जोड़े वादे ने बिल्कुल खोखले ने, असी बेनती करते हैं भी सानू 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए है कि जो पिंडा की 24 घंटे की लाइट आ वो 5-5 घंटे बंद रही है। शहर के कट क्यों नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि साढ़े पिंडा जो करोना महामारी के कारण अज मेरे पिंड रोडे के 2 डैथा हो चुकिया ने, उधर लोगों के घर पानी मुक्या पाया, पानी पीने तो कहते कितों लैके आते, पानी पीने वास्ते कदों कितों लैके, यदा सरकार क्यों नहीं जवाब दे रही? ना बिजली महकमा जवाब दे रहा, ना सरकार जवाब दे रही। उधरों साडियां जीरियां सुकिया पई ने, जीरियां के वास्ते 8 घंटे का वादा करके 3-3 घंटे की लाइट आती है, वो भी घंटा घंटा ट्रिप हो जाती है। साडा धरना जारी रहेगा, जे साडे नाल इदां होगा साडियां फसलां बर्बाद हो जाणगियां, असीं ना कोई भी किसी भी तरह का एक्शन लैण नूं तैयार हां। मंग के दौरान पावर कट लग जाए जो मंग बच जाती है, ठीक है ना, बस उ पावर कट के दौरान ये हो तो उस तो बाद इस पावर कट का कंपनसेट भी नहीं किया जा सकता। लगातार लग रहा जो भी मौसम के हिसाब न जो तपस बढ़ रही हैगी पावर कट लगी जा रही है। ਇਹ ਫਸਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗਾ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਫੇਲ 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, UPS ਬੰਦ ਕਰਾ ਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ UPS ਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।